हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पूरा परिवार जो है दोस्तों वो भी ठीक ठाक होगा। तो आज हम जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, वो आप सभी लोग जानते हैं और मुझे बार बार बशर्म हो करके दोस्तों उस मुद्दे के ऊपर वीडियो डालनी पड़ रही है यहाँ पर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से विनती है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसलिए बेशर्म हो गया हूँ उस मुद्दे को लेकर के बार बार वीडियो डालते हुए, क्योंकि 2 साल या 1 साल हो गया है दोस्तों उसको मैं देख रहा हूँ, वो मामला ज्यों का त्यों खड़ा है वहीं पर, कोई उसका हल नहीं कर पा रहा। और मेन एंट्री होने के बावजूद यह मुद्दा पीछे ही पीछे जा रहा है दोस्तों, जो कि ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती मेरी है दोस्तों, क्योंकि मैं यहां पर जनता के और गांव के मुद्दों को उठाने का काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। और अगर मैं कुछ बोलता हूं तो लोग मुझे पागल बताते हैं और ना जाने क्या क्या बताते हैं, बताते रहे दोस्तों मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं अपने गांव की सेवा करता रहूंगा, अपने देश की सेवा करता रहूंगा और अपने आसपास के गांवों को भी अपने साथ लेकर के चलूंगा दोस्तों। मेन एंट्री का हाल इस समय जो है और जितने लोग वहां पर गिर चुके हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात मेरे लिए है कि मैंने इतनी वीडियो बना करके डाल दी है लेकिन अभी भी उस मुद्दे का कोई हल नहीं हो रहा दोस्तों। इससे ऊपर शर्मनाक बात मेरे लिए क्या हो सकती है? तो ये सब बातें दोस्तों आप लोग समझे या ना समझे, लेकिन मैं समझता हूं और कल भी इस मुद्दे को लेकर के मेरी बात हुई है। और यहां पर जो बात सामने आई है दोस्तों वो ये है कि इस समस्या का हल होना चाहिए पानी का, जल्द से जल्द। और इस मेन एंट्री के ऊपर दोस्तों ना जाने कितने लोग, जैसे मैंने पहले बताया, फिसल कर वहां गंदे पानी में लैटरिन बाथरूम वाले में गिर चुके हैं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है। और चुप बैठने वाले चुप बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़ाई झगड़ा किसी है किसी के साथ, लेकिन काम को करके दिखाएं आप, जो काम लटका पड़ा है वहां पर। जो भी इंसान वहां से निकल करके जाता है परेशानी से जाता है, गिर जाता है तो कोई उठाने वाला नहीं, उठा भी देता है तो क्या इज्जत रह गई उस बंदे की जो गिर गया वहां पर गंदे पानी में दोस्तों? इज्जत नहीं रहती उस बंदे की, क्या इज्जत रहेगी उसकी बताइए मुझे आप? एक ठीक ठाक बंदा वहां से गुजर करके जा रहा है, वो गिर गया, वो गिरना ही उसकी बेइज्जती हो जाती है दोस्तों वहां पर। और वो बंदा बेइज्जत हो जाता है, उसके कपड़े जब गंदे पानी में भंड जाते हैं, निबड़ जाते हैं, तो कहां जाकर के वो धोएगा उनको? ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? कब इस मुद्दे का हल होगा? कब इस पानी की निकासी वहां से बंद होगी, आगे जाएगी कहीं या उस तरफ जाएगी परली साइड? मुझे तो दोस्तों काफी गुस्सा आ रहा है इस मुद्दे को लेकर के। और ना जाने कितनी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है जब मेरे हाथों में माइक भी नहीं था दोस्तों, तो मेरी आंखों में दोस्तों आंसू आते हैं ऐसे हालात देख करके गांव के और मेन एंट्री के। मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि जो इंसान वहां गिरता है दोस्तों वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है, और मेरे से ज्यादा बेइज्जती शायद किसी की हुई होगी दोस्तों। तो ये सब बंदों वाले काम नहीं हो रहे दोस्तों यहां पर। और यही आशा करता हूं कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, अन्यथा ना जाने कितने लोग वहां पर फिसल फिसल कर अभी गिरने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद,
वंदे मातरम दोस्तों।